नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर सोनभद्र से। रायपुर थाना क्षेत्र के खलियारी बाजार में बृहस्पतिवार की सरे राह बाजार एक होटल पर बैठे दो पत्रकारों को बाइक सवार नकाबपोशों ने गोली मार दी। वारदात के बाद जहां पूरे बाजार में हड़कंप मच गया, वहीं असलहा लहराते हुए बदमाश पन्नू गंज की तरफ भाग निकले। आनंद फानंद में दोनों को वैनिसियस दिलाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तेजी से लगते हुए घायलों से घटना की जानकारी लेने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। दोनों पत्रकार होटल पर बैठकर बात कर रहे थे कि जानकारी के मुताबिक पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और पत्रकार विजय शंकर पांडे कुछ अन्य लोगों के साथ रात 8:30 बजे करीब अमरेश पांडे के होटल पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी वहां हेलमेट लगाए हुए बाइक सवार दो युवक पहुंचे और वहां बैठे लोगों से श्याम सुंदर तथा विजय शंकर नाम पूछा। जैसे ही दोनों लोग उसकी तरफ मुखाते हुए बाइक सवार बदमाशों ने एक के बाद एक 4 फायर झोंक दिए। इससे श्याम सुंदर के दाहिने हाथ में और लड्डू के सिर के पास गोली लगी, जिससे वो दोनों वहीं गिर गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। थड़ाथड़ दुकानें बंद होने लगी। वहीं बाइक सवार युवक घटना को अंजाम देने के बाद असलहा लहराते हुए पन्नूगंज की तरफ भाग निकले। आसपास मौजूद दोनों लोग को आनंद फानंद में वैनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बताते चले कि खलियारी बाजार बिहार से सटा हुआ है और यहां इलाका नक्सली गतिविधि से भी खासा प्रभावित है। वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव के समय यहां काफी बवाल भी हो चुका है। घटना के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। साइलेंसर युक्त पिस्टल और तमंचे से मारी गई गोली। बताया जा रहा है कि दोनों पत्रकारों को साइलेंसर युक्त पिस्टल और तमंचे से गोली मारी गई। मौके पर पुलिस ने पिस्टल का 3 खोखा और गुच्छा भी बरामद किए। खोखा छोटी पिस्टल का बताया जा रहा है, तो वहीं 6 तमंचे से हुए फायर का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी घटना में पिस्टल के प्रयोग होने की पुष्टि हुई है। 6 किस तरह का है और ये अब तक पता नहीं चल सका है। उधर SO रायपुर का कहना है कि मौके से छोटी पिस्टल का 3 खोखा बरामद हुआ है। एक पत्रकार के पैर में 6 लगा हुआ है। घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। हम विजय शंकर पांडे, अमर उजाला और राम सूरत गुप्ता सहारा के पत्रकार शाम को अमरेश पांडे के होटल में बैठे हुए थे। घर जाने की तैयारी में थे कि तभी दो लोग पल्सर मोटरसाइकिल से मुंह पर गमछा बांधे हुए आए और गोली मार दी, जिससे हम लोग घबरा गए और होटल के अंदर मड़ई की तरफ भागने लगे। 3 फायर किए गए हैं। हमें हाथ व कोहनी में गोली लगी है। विजय शंकर पांडे को सिर में गोली लगी है, जिसे डॉक्टरों ने निकाल दिया है। हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। दोनों पत्रकार होटल पर बैठकर बात कर पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और पत्रकार विजय शंकर पांडे और फलड्डू पांडे कुछ अन्य लोगों के साथ रात 8:30 बजे करीब अमरेश पांडे के होटल पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी वहां हेलमेट लगाए हुए बाइक सवार दो युवक पहुंचे और वहां बैठे लोगों से श्याम सुंदर व विजय शंकर का नाम पूछा। जैसे ही दोनों लोग उसकी तरफ मुखाते हुए बाइक सवार बदमाशों ने एक के बाद एक 4 फायर झोंक दिए। इससे श्याम सुंदर के दाहिने हाथ में और लड्डू के सिर के पास गोली लगी, जिससे दोनों वहीं गिर गए। फिलहाल दोनों ही खतरे से बाहर हैं। शाम को हम लोग अमरेश पांडे जी के दुकान पे, चाय पान की दुकान है, वहीं बैठे थे। हम थे अमर उजाला के पत्रकार विजय शंकर पांडे जी थे, सहारा के पत्रकार राम सूरत गुप्ता जी थे। तीनों लोग हम लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे। घर चलने वाला ही टाइम हो रहा था, 8 बज रहा था लगभग टाइम ही, वहीं घर जाने वाला टाइम। एकाएक चार पहला गोली मैंने चढ़ देकर आई, फिर तोड़ देकर दूसर का, हम लोग भौचक हो गए, खड़बड़ा के भागने लगे। गोली हमको पहले में ही लग चुकी थी, दूसर के में विजय शंकर भैया को लग गई। हम लोग खड़बड़ा के भागे मड़ई में जो है दुकान है अंदर, और उस हम मैंने मोटरसाइकिल थी, शाम का रात हो गया था, मुंह बांधे हुए थे। कितने लोग थे उस पल्सर पर? तो 2 लोग थे। 2 लोग? हाँ। कितने फायर किए हैं? नहीं, 2 फायर तो मैंने 2 या 3 ऐसे फायर हुआ है। अब ये पहले में हम लोग हकबका गए, समझ में नहीं आया। कुछ समझ में आ रहा कि मैं कौन मारा होगा, क्या दुश्मनी पे कहीं विवाद? सर, ऐसे तो हम किसी को नहीं कह सकते हैं, कोई ऐसा विवाद नहीं है। अब किसी को क्या बताएं हम जी? आपको कहाँ कहाँ गोली लगी है? हमको दाहिने हाथ के कोहने में लगी है, यहाँ नीचे हाथ में दाहिने में लगा है, बाएं हाथ के पंजा पे लगा हुआ है। गोली हमको लगता है अभी फंसी हुई है वहाँ। अब जो हो, अब तो हॉस्पिटल जाने पर ही समझ में आएगा। विजय शंकर भाई जी को सर में लगी है, गोली भी फंसी थी, डॉक्टर लोग निकाले हैं।
किसी को ऊपर शक नहीं था। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, किसी से कोई रंजिश नहीं। पहले में हम लोग अस्पताल गए, समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आना कि कौन मतलब किनारा होगा, क्या दुश्मनी पर कह रहे, कहीं कोई अभिवाद वगैरह तो आपको कहाना बोली गई है, आपको कहाना बोली गई है, हमको दाहिने हाथ के चौथे में लगी है, हाथ में दाहिने में लगा है, बाएँ हाथ के पंजा में लगा हुआ है, जो भी हमको लगता है सर्दी की है पकड़े नहीं पत्रकारों पे जो हमला हुआ तो अभी जिलाधिकारी को आप लोगों ने जाकर मिला, तो क्या है, क्या मांगे हैं? मांगे है कि निष्पक्ष पहले जांच हो, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए किसी निरपराध और निर्दोष को जेल भेज दे पुलिस, और 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि यह जनपद अतिसंवेदनशील है, नक्सल प्रभावित है, और रायपुर थाना क्षेत्र से पशु तस्करी और शराब तस्करी व्यापक पैमाने पर बिहार के लिए हो रही है। ऐसे में इस मामले को पूरी निष्पक्षता से देखना होगा, कहीं पुलिस लिपापोती न करे, क्योंकि इस पूरे खेल में, इस तस्करी के खेल में पुलिस लिप्त होती है। कस्बा खलियारी में दो पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और वीर शंकर पांडे चाय की दुकान पर बैठे हुए थे, उसी दौरान रात लगभग 8:30 बजे 2200 और 2200 उदाहरण को फायर किया गया है, जिसमें श्याम सुंदर के हाथ में गोली लगी हुई है और वीर शंकर पांडे के भौंक के पास जो है कुछ छूते हुए गोली निकल गई। दोनों व्यक्ति जो है खतरे से बाहर हैं, दोनों को उपचार हेतु जिला अस्पताल लोड़ी रेफर कर दिया गया है, अभियोग पंजीकृत करके अवश्य कार्रवाई की जाती है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।